अस्सलाम वालेकुम। हम आज फिर हाजिर हैं आपके लिए एक किचन बेसिक रेसिपी लेकर। ये बहुत आसान होती है बनाने में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्ट्रीट पर और हलवाई के यहाँ जो आप चाट पर डली हुई हरी खट्टी चटनी खाते हैं, तीखी चटनी खाते हैं, उसकी रेसिपी बहुत आसान होती है। और इसे आप समोसा, कचौरी, पकौड़े, टिक्की किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके लिए हमें जो सामान चाहिए मैंने ले लिया है, 1 से 1.5 बंच लिया है मैंने, यानी कि 1 से 1.5 मुट्ठी लिया है मैंने धनिया। साथ में मुझे चाहिए 1.5 नींबू। खट्टेपन के लिए पुदीना लिया है मैंने 1 कप। 5 से 6 ली है हरी मिर्च। नमक लिया है हमने अपने स्वादानुसार, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। 5 5 ली है मैंने लहसुन की कलियाँ और आधा टी स्पून लिया है मैंने ज़ीरा। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम धनिए को एक ग्राइंडर में ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने एक जार में धनिया ऐड कर लिया है। साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा पुदीना है। आप पुदीना इसमें ज़रूर डालें, बिना पुदीने के अच्छी चटनी रेडी नहीं होगी। साथ में जाएगी जो हमारी हरी मिर्च है, ज़ीरा, नमक, लहसुन, और अब हम इसी में ऐड कर देंगे जो हमारा नींबू है। नींबू आपको इस तरह से निचोड़ना है कि उसके बीज इसमें ना जाएं। ये नींबू का रस हम इसमें तीनों का निचोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें पूरा सामान ऐड कर लिया। अब हम इसका लिड लगाकर इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने धनिया और पुदीना को पीस लिया था और आप देख सकते हैं इसकी कितनी बढ़िया चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम एक इस तरह का बोल लेंगे और इसमें जो हमारी सॉस है उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये बताइए, हमारी हरी चटनी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी बताइए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चटनी को आप स्नैक्स के साथ इंजॉय कीजिए। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।